हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल व्यू में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत है जिसमें डिपार्चर और अराइवल आता रहे, तो ऐसे में ये कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से मैं ओपन कर लेता हूं एक्सेस, और ये एक्सेस 2007 है। यहां पे क्लिक किया हमने और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे, और यहां से डेटाबेस तो हमने बना लिया। अब इस जो टेबल आपको नजर आ रही है इसको हम क्लोज कर देते हैं, और यहां से क्रिएट पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जैसे ही जाते हैं तो इसे क्लोज कर देना है और क्लोज करके एसक्यूएल पे आ जाना है। अब एसक्यूएल पर आते ही यहां पे क्या लिखा जाए, सवाल यही उठता है कि यहां पे क्या लिखा जाए कि हमारा काम हो जाए बहुत ही आसानी के साथ। तो यहां पे टेबल बनाना है हमको, तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट लिखते हैं। तो यहां पे लिख दिया क्रिएट, ठीक है। इसके बाद आपको टेबल जो कीवर्ड है वो लिखना होता है, क्रिएट के बाद टेबल आता है। तो यहां इस तरीके से लिख दीजिएगा क्रिएट टेबल। अब ये टेबल लिख दिया क्रिएट टेबल, और अब आगे क्या करना है, यहाँ पे टेबल का नाम देना है जो भी आपके टेबल का नाम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्कूल कर देता हूँ स्कूल, और सिंबल यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी टी, यानी ये पता चलता रहेगा कि ये टेबल ही है, ठीक है। तो ये स्कूल टी हमने इसे नाम दे दिया, ठीक है। अब स्कूल टी नाम देने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है, जहां पर हम सबसे पहले आईडी रखते हैं स्टूडेंट की आईडी, तो यहाँ पे लिखा स्टूडेंट और अंडरस्कोर देके आईडी लिख दिया, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। और जैसे ही हम स्टूडेंट आईडी देते हैं तो इसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट आप लिखते हैं तो यहाँ पर ये तय हो जाता है कि यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करता रहेगा, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि कौन सा डेटा टाइप है, तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। और इंटीजर डेटा टाइप क्योंकि यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हमने दे ही दिया, तो यहाँ इंटीजर भी देने की क्या जरूरत, तो कॉमा दे देते हैं सीधा सीधा। और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट करते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग डालेंगे। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पर अराइवल टाइम, अराइवल और टाइम करेंगे, और अराइवल टाइम के बीच में जो अंडरस्कोर है वो लगा दीजिएगा जरूर, ठीक है। ये गैप थोड़ा सा दिक्कत करता है MySQL या SQL व्यू के अंदर। तो यहाँ पर जो है अब डेट डेटा टाइप हमें मेंशन कर देना है, तो यहाँ पे डेट डेटा टाइप हमने दे दिया, फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ पे डिपार्चर आएगा, तो यहाँ पे डिपार्चर आ गया, और डिपार्चर के लिए हम यहाँ पे वापस से डेट डेटा टाइप देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये दे दिया है। और अब ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ टर्मिनेट करना है। एक सिंटेक्स एरर आ रहा है ऑटो, अच्छा यहाँ देखिए आई छूट गया इंक्रीमेंट का, तो ये हो गया। एक चीज और है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप दे देना है, इसका स्टूडेंट का डेटा टाइप छूट गया था, तो ये टेक्स्ट हो गया। तो ये कर लेने के बाद अब इसको चला दीजिएगा तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल भी आ गई है। तो यहाँ पर जब इस पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, डेट ऑफ अराइवल आ रहा है, और डिपार्चर भी आ रहा है, यानी हमारा काम हो गया। लेकिन ये इसमें एंट्री एक बार करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाम लिख दिया राम, और यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैलेंडर जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं और यही सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सीधा आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।